नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एवरीथिंग अबाउट फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं आप सबकी फेवरेट आइसक्रीम। आज हम आपको बताएंगे कि घर पर ही कैसे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट का यूज करके हम बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम। 3 इंग्रेडिएंट्स जिसकी हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी वो है 2 छोटी कटोरी क्रीम, 2 छोटी कटोरी कंडेंस्ड मिल्क और आधा टीस्पून वैनिला एसेंस। सबसे पहले एक कटोरे में 2 छोटी कटोरी क्रीम ले लेंगे और उसे फेंटना शुरू कर देंगे। क्रीम को फेंटने के लिए आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर सिंपल हैंड बीटर का यूज किया है। इस प्रोसेस में क्रीम को गाढ़ा होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको क्रीम को लगातार फेंटते रहना है जब तक वो बिल्कुल गाढ़ी नहीं हो जाती। आपकी क्रीम गाढ़ी हुई है या नहीं ये चेक करने के लिए आप क्रीम को बीटर से या चम्मच से उठाकर देख सकते हैं। अगर वो नीचे नहीं गिरती है तो मतलब वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, परफेक्टली जैसी हमें चाहिए। अब हम फेटी हुई क्रीम में 2 छोटी कटोरी कंडेंस्ड मिल्क डालकर उसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको कंडेंस्ड मिल्क मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर होममेड कंडेंस्ड मिल्क यूज किया है जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे, आप वहां से जाकर कंडेंस्ड मिल्क बनाने का वीडियो देख सकते हैं। आधा चम्मच वैनिला एसेंस और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइसक्रीम बनाने का बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इस बैटर को फ्रिज में रख देंगे सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि अभी हमें आइसक्रीम को पूरी तरीके से नहीं जमाना है। हमने आइसक्रीम को फ्रिज से निकाल लिया है, ये आधी जमी हुई आइसक्रीम है। अब हमें इसे दोबारा से फेंटना है। आइसक्रीम को अच्छी तरीके से फेंट लेने के बाद अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक कंटेनर में और फिर कंटेनर को फ्रिज में रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी तरीके से जम जाए। हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल सकते हैं। देखने में ये आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम है और खाने में इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा है। तो आप भी ये इजी और सिंपल रेसिपी ट्राई करके आइसक्रीम जरूर बनाइए और हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।